हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है श्रेया अग्रवाल और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फ्लेमिंगो बुक की फोर्थ पोएम, डेट इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसके पोएट हैं जॉन कीट्स। ही वॉज बेसिकली अ ब्रिटिश रोमांटिक पोएट, ऑल दो ही ट्रेन टू बी अ सर्जन, बट उन्होंने फिर भी अपनी पूरी लाइफ जो है डिवोट कर दी थी पोइट्री को। द फॉलोइंग इज एन एक्सक्रिप्ट फ्रॉम हिज पोएम एंटीमियन, अ पोएटिक रोमांस। तो ये जो एक्सक्रिप्ट है उनकी पोएम एंटीमियन से लिया गया है। चलिए अब मैं इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको देने जा रही हूँ। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and a quiet breathing. Means a thing of beauty, जो भी हमारे लिए एक चीज़, जो भी हमारे लिए thing of beauty होती है, वो हमें joy provide करती है हमेशा। joy है, happiness है, comfort है, सब कुछ प्रोवाइड करती है लाइफ टाइम के लिए। अ थिंग ऑफ ब्यूटी कुछ भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है हमारी लाइफ में, कोई एनिमल हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है, कोई भी थिंग हो सकती है। यहाँ पे बेसिकली पोएट ने हमें किस बारे में बताया है, यहाँ पे थिंग ऑफ ब्यूटी से मतलब उनका नेचर से है। यहाँ पे पूरी पोएम में उन्होंने नेचर को डेडिकेट किया है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस का मतलब ये है कि जो भी हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है, मतलब जो हमारा नेचर है इसमें, उसके लिए हमारा जो लव है वो इंक्रीज करता जाता है डे बाई डे, वो कभी भी एंड नहीं होता। बट विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस, और हमें जो है एक प्लीजेंट शेडी प्लेस प्रोवाइड करता है अंडर अ ट्री और अ क्लाइंबिंग प्लांट्स इन अ गार्डन और अ वुड एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। और जब हम उस क्वाइट प्लेस पे, शेडी प्लेस पे जब हम जाते हैं, हम वहाँ पे स्लीप करते हैं, तो हमें स्वीट ड्रीम्स आते हैं एंड हेल्थ। और जब हमें जो है अच्छे से रिलैक्सिंग पूरी स्लीप मिलती है, तो हम क्या होते हैं, अपने अंदर से हेल्दी फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं एंड अ क्वाइट ब्रीदिंग। और जब हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, हमारी जो है ओवर थिंकिंग नहीं होती, कोई तरह का कोई भी लड़ाई कुछ भी नहीं होती है, हम पूरी लाइफ में जब हम नेचर के पास होते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने सारे टेंशन्स को भूल के क्वाइटली ब्रीथ कर लेने लगते हैं, मतलब कि रिलैक्सिंग ब्रीदिंग करते हैं, रिलैक्स होकर ब्रीथ करते हैं। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रचिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। मीन्स इसीलिए हर टुमारो को, टुमारो मतलब यहाँ पे मोरो का मतलब टुमारो है, और रचिंग का मतलब है बाइंड करना, बाइंड करना मतलब जोड़ कर रखना। फ्लावरी बैंड का मतलब हो गया हमारी मेमोरी से टू बाइंड अस टू द अर्थ, जो हमें अर्थ से जोड़े रखती हैं, मतलब कि हर नई सुबह हमारे लिए क्या लेके आती है, एक फ्लावरी बैंड। फ्लावरी बैंड मतलब कि एक फूलों से भरा हुआ पूरा बैंड लेके आती है, कि हमारे चारों तरफ फूल, जैसे नेचर के पास अगर हम हैं तो चारों तरफ हमें फूल दिखाई देते हैं जो कि हमें अर्थ से जोड़े रखते हैं। और अगर इसी जगह हम किसी पर्सन की बात करें, तो उससे रिगार्डिंग हमारी जितनी मेमोरीज हैं वो हमें उस पर्सन से जोड़े रखती हैं। इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर ऑफ अ ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी ओवर ए डार्कन वेज मेड ऑफ ऑल सर्चिंग्स। मीन्स स्पाइट का मतलब यहाँ पे है इन स्पाइट, और डिस्पोंडेंस का मतलब है डिसअपॉइंटमेंट और होपलेसनेस, एंड इनह्यूमन डर्थ का मतलब है क्रूअल, और लैक मीन्स लैक ऑफ नोबल नेचर, जिनके पास नोबल नेचर की कमी हो, जो काइंड ना हो, डैट इज़ कॉल्ड क्रूअल, एंड ग्लूमी डेज मीन्स सैड। तो इसका पूरा बेसिकली आपको यही मतलब बताया गया है, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस। अगर हमारा पूरा दिन बर्बाद भी गया है, मतलब कि आप देख सकते हैं कहीं भी अगर हमें पूरे सुबह से डिसअपॉइंटमेंट फेस करनी पड़ रही है, होपलेसनेस फेस करनी पड़ रही है, तब भी जो है हमारे लिए जो हमारी थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसे हम कंसीडर करके रखते हैं अपने माइंड में, वो हमें क्या करती है, हमें जो है वो उस टाइम पे भी हमें पूरा आप कह सकते हैं अंदर से चेरिश करके रखती है, मेड फॉर आवर सर्चिंग्स। अगर यहाँ पे बताया गया ओवर ऑल अनहेल्दी ओवर डार्कन वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग्स, मतलब कि जितने भी अनहेल्दी, जितने भी गलत और बुरे रास्ते होते हैं, वो सब हमें खुद से ढूंढ लेते हैं, पर फिर भी येस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स। फिर भी जो हमारी शेप ऑफ ब्यूटी, शेप ऑफ ब्यूटी उसी को कहा गया है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो भी हमारा थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमें उन सब से बाहर निकाल लेती है, उन सब बुरी चीज़ों से, हमारी सैडनेस से, हम जितना भी सुबह से जितना भी डिसअपॉइंटमेंट या होपलेसनेस फील कर रहे हैं, उन सब से हमें दूर रखती है, हमें डार्क स्पिरिट से दूर रखती है, ठीक है। फिर उसके बाद सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर अ सिंपल शीप। मीन्स अब थिंग ऑफ ब्यूटी क्या क्या हो सकती है नेचर में, वो हमें पोएट ने यहाँ पे एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। जैसे कि
हमारा सन हो गया, हमारा मून हो गया, ट्रीज़ हो गए, चाहे वो बड़े ट्रीज़ हों या फिर छोटे छोटे ट्रीज़ हों। स्प्राउटिंग अ शेडी बोन फ्रॉम अ सिंपल शीप। स्प्राउटिंग अ शेडी बोन का मतलब ये होता है कि जब आप देखते हैं कोई डेंस फॉरेस्ट है तो उसमें जैसे कि छन छन के सनलाइट जो है पेड़ों की पत्तियों के बीच से जो है जब वहाँ पर अर्थ पर गिरती है तो उसे कहा गया है स्प्राउटिंग अ शेडी बोन। तो उसी तरीके से जो जाल बुनती है सूरज की किरणें, वो जो है किसके लिए, वो सिंपल शीप को भी कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये थिंग ऑफ ब्यूटी है पोएट की नज़र में। एंड सच आर डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड अ क्रियल रिल्स डेट फॉर देमसेल्स अ कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन अमिड फॉरेस्ट ब्रीक। मीन्स असच डेफोडिल्स मीन्स ये जो डेफोडिल्स होते हैं ये भी जो है ग्रीन वर्ल्ड में, ग्रीन वर्ल्ड का मतलब है कि जो हमारे ग्रीन फॉरेस्टर्स हैं उन सब में जो है एक थिंग ऑफ ब्यूटी का काम करते हैं। हमारी जो क्लियर रिल्स हैं, क्लियर रिल्स का मतलब हो गया कि क्लियर बिल्कुल साफ पानी की, और रिल्स का मतलब होता है आप कह सकते हैं झरने भी कह सकते हैं या फिर छोटी छोटी स्ट्रीम्स जो होती हैं पानी की उसको भी कहा जाता है। बेसिकली ये स्ट्रीम्स का यहाँ पर मतलब है, स्मॉल स्ट्रीम्स जो होती हैं वो, उसके बारे में आपको यहाँ बताया। एंड क्लियर रिल्स डेट फॉर देमसेल्स कूलिंग कवर्ट मेक। मीन्स फॉरेस्ट में जब आप देखते हैं तपती धूप हो रही होती है उस टाइम भी क्या होता है, छोटी छोटी पानी की नहरें जो होती हैं या फिर छोटी छोटी स्ट्रीम्स जो होती हैं पानी की, वो खुद के लिए कूलिंग प्लेस अपना डिसाइड कर लेती हैं, वहीं से वो क्लियर स्ट्रीम्स बहती हैं, फ्लो करती हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो गर्मी भरे एरिया से बहेंगी तो वहाँ पे क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा उनका पानी और फिर वो क्या हो जाएंगी, सूख जाएंगी। कोई एनिमल या फिर कोई भी क्रिएचर या कोई भी ह्यूमन या जो भी है फॉरेस्ट में, वो उसका फ़ायदा नहीं उठा सकता, उसका पानी नहीं पी पाएगा। तो इसलिए वो क्या करती हैं, ऐसे कूलिंग प्लेस से, शेडी प्लेस से फ्लो करती हैं जिससे कि वहाँ उनका पानी भी इवेपोरेट ना हो कभी भी। डेट फॉर देमसेल्स अ कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन एंड मिड फॉरेस्ट ब्रीक। मीन्स हॉट सीजन में तपती हुई धूप में भी वो पानी बिल्कुल ठंडा रहता है क्योंकि वो शेडी प्लेस से होके बह रहा होता है। मिड फॉरेस्ट ब्रेक मीन्स फॉरेस्ट के बीचों बीच। रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। मीन्स अब पूरा इन्वायरमेंट ये फेयर मस्क रोजेस, मीन्स फेयर वाइट कलर के, थोड़ा सा पिंकिश शेड के होते हैं ये मस्क रोजेस जो हैं, ब्लूम्स के होते हैं, मतलब वहाँ पे ब्लॉसम्स हो रहे हैं, मतलब कि खिल रहे हैं। इन्हीं फ्लावर्स की जो फ्रेग्रेंस है वो पूरे इन्वायरमेंट में स्प्रेड हो गई है, स्प्रिंकल हो गई है, उससे जो है ये भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है पोएट की नज़र में, ये वो बताना चाह रहे हैं। एंड सच टू इज़ अ ग्रैंडियर ऑफ अ डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर अ माइटी डेड। मीन्स अब ये बता रहे हैं कि ये वो लोग कितने महान होंगे, कितने माइटी होंगे जिनके कि जिनके ग्रेवयार्ड्स पे, जिनके ग्रेवयार्ड्स पे आज ये फ्लावर्स खिले हुए हैं, उनकी डेथ यहाँ पे हुई होगी, किसी ना किसी की तो यहाँ पे डेथ हुई होगी ना, तो उन्हीं की जगह पे आज ये फॉरेस्ट बना है, तो उनकी जगह पे ये फ्लावर्स खिले हुए हैं, तो वो कितने ज़्यादा कह सकते हैं हम लोग कि वो कितने ज़्यादा भाग्यशाली होंगे कि उनकी जगह पे इस टाइम यहाँ पे ये पूरे जो है फ्लावर्स खिले हुए हैं, इतने अच्छे फ्लावर्स जो कि चारों तरफ फ्रेग्रेंस प्रोवाइड कर रहे हैं सबको। और माइटी डेथ का मतलब है कि ब्रेवरी और उनके जितने भी अच्छे वर्क थे उन सबको हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, उनके सेक्रीफाइस को, उन माइटी लोगों के सेक्रीफाइस को, ब्रेवरी को हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। इमेजिन क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमने उन्हें देखा नहीं है कभी भी, बट उन हम ऐसा मान के चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर आज फ्लावर्स खिले हैं, तो इसका मतलब कि वो ज़रूर ही बहुत माइटी पीपल्स होंगे, ठीक है, महान लोग होंगे। फिर ऑल लवली टेल्स डेट वी हैव हर्ड और रेड एंड एंडलेस फाउंटेंस ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम हेवन्स ब्रिंक। मीन्स ऑल लवली टेल्स डेट वी हैव हर्ड और रेड, मीन्स जितनी भी प्यारी प्यारी कहानियाँ आज तक हमने सुनी है या फिर पढ़ी हैं, एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, मीन्स जितना भी एंडलेस फाउंटेन जो कि एंडलेस झरना है जो कि बह रहा है इमॉर्टल ड्रिंक का, इमॉर्टल ड्रिंक मतलब कि अमृत का, जितना भी झरना बह रहा है अमृत, किसे बोला गया यहाँ पे, हमारी थिंग ऑफ ब्यूटी को। थिंग ऑफ ब्यूटी जो है एंडलेस है, वो जिस भी चीज़ को हम अपना थिंग ऑफ ब्यूटी बोलते हैं लाइक अ नेचर ओवर इन दिस पोएम, वो एंडलेस है, वो नेचर कभी भी यहाँ से ख़त्म नहीं हो रहा है, वो पूरे टाइम यही रहेगा। पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक मीन्स हमें जो है एज अ ब्लेसिंग गॉड ने प्रोवाइड किया है, वो पूरा का पूरा जो नेचर है वो हमारे लिए किस तरह से बिहेव कर रहा है, एज अ इमॉर्टल ड्रिंक, ठीक है। तो अगर आपको ये पोएम पसंद आई हो मेरी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट